दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों अक्षय कुमार के फैन जिस तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ ही गया। बच्चन पांडे कल फ्राइडे को रिलीज होने वाली है 18 मार्च को, और बच्चन पांडे की सीधी टक्कर होने वाली है द कश्मीर फाइल से, जिसने ताबड़तोड़ कमाई करके सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि द बच्चन पांडे या फिर द कश्मीर फाइल्स, आखिर दोनों में कौन सी फिल्म रहेगी आगे, ये बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चन पांडे फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ सूर्यवंशी फिल्म जो कि 5 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर 2021 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म से कंपेयर करेंगे कि सूर्यवंशी का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा था और बच्चन पांडे अपने पहले दिन कितना कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर आप अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बात करें अगर सूर्यवंशी फिल्म की, तो अक्षय कुमार के साथ कटरीना कैफ उस फिल्म में हमें नजर आई थी, और फिल्म को जो डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था वो किया था रोहित शेट्टी ने। कमाल की फिल्म थी, अक्षय कुमार की एक्टिंग भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। और यहां पे अगर हम कलेक्शन की बात करें तो अपने पहले दिन फ्राइडे को जो सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो किया था लगभग 26 करोड़ 29 लाख रुपए, यानी कि 26.5 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं। अब दोस्तों बच्चन पांडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत तगड़ी टक्कर मिल रही है। द कश्मीर फाइल्स को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि फिल्म के सामने कोई भी फिल्म नहीं टिक पा रही है, लेकिन बच्चन पांडे के शोज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस बुकिंग भी काफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे लगभग फिल्म की 4 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग अब तक हो चुकी है। काफ़ी शोज इंक्रीज हुए हैं पहले, यानी कि कल के मुकाबले और आज सुबह के मुकाबले। तो यहाँ पे कुछ हद तक द कश्मीर फाइल्स को टक्कर देगी बच्चन पांडे, लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन बच्चन पांडे अपने फर्स्ट डे में यहाँ पे 18 करोड़ रुपये से लेके 19 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने पहले दिन कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी द कश्मीर फाइल्स का, क्योंकि जिस तरह की एडवांस बुकिंग है कल की द कश्मीर फाइल्स की, लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है द कश्मीर फाइल्स की, तो बच्चन पांडे किस हिसाब से अपनी परफॉर्म दिखाती है सिनेमाघरों में, क्योंकि कल होली का दिन है, सुबह के शो जो है वो तो बंद ही रहने वाले हैं ज्यादातर, आप मान के चलिए। अब शाम को ही शोज हाउसफुल होंगे, तो द कश्मीर फाइल्स भी कोशिश करेगी कि 19 से 20 करोड़ रुपए कमाए जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बच्चन पांडे अपने पहले दिन कितना कलेक्शन करती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।